सभी के बीच अपनी बातें रखें। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आवाज ठीक है ना? आ रहा है? आज आप सबके सामने कुछ कार्यक्रमों को लेकर के हम आए। कुछ कार्यक्रम तो केंद्र से निर्धारित है और उसे घोषित कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि अभी कार्यक्रम हुआ नहीं, इसलिए मैं आप सबके सामने उसको भी रख देता हूँ। एक तो कल 25 तारीख आप सबको ध्यान में है कि इमरजेंसी आपातकाल लागू किया था उस समय श्रीमती गांधी जी का। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के अपोजिशन के जो लीडर है वो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते हैं, और पिछले चुनाव में भी इस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर संविधान को जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे कर दे, तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और उनके दादी दादी ही कहेंगे ना उनको, दादी कह सकते हैं कि प्रकार से उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया और इमरजेंसी लगाए, और इमरजेंसी के बाद मीडिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए, यानी कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। सारे नेता जो आवाज उठाते थे विरोध में, उन सबको जेल में डाल दिया। जो आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो 25 जून की जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा काला दिवस। फिर आप सबको ध्यान में है, उसके लिए भी काफी टीम बनी है जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं। मैं उन नामों को यहाँ नहीं जा रहा हूँ, आप सब लोग लेना चाहेंगे नाम भी तो आप अशोक जी से प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात, चुनाव के पूर्व उसको स्थगित कर दिया गया था क्योंकि बीच में सार्वजनिक में चुनाव। अब मैं ये कह सकता हूं कि 30 जून मन की बात और प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल जो प्रारंभ, उसमें से ये पहला मन की बात। और प्रधानमंत्री की मन की बात पार्टी का प्रयास है कि हर बूथ स्तर तक हम इसको हम ले जाए। तो 30 तारीख को मन की बात है 30 जून को, और साथ ही उसमें 30 जून हुल दिवस भी है, जो कि सबको पता है 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में जो हुल हुआ था, और उस हुल में हजारों लोग शहीद हुए थे,
वो 30 जून का ही वो तिथि था, उस दिन ही घोषणा हुई थी, इसलिए 30 जून को पूरे देश में फूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन मन की बात भी है प्रधानमंत्री जी की, और फूल दिवस भी हमारे कार्यकर्ता उसको दोनों ही वहां पर मनाएंगे, मन की बात को भी सुनेंगे और फूल दिवस भी मनाएंगे। फिर तीसरा जो कार्यक्रम है बलिदान दिवस, आप सबको याद ही कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 23 जून उनका बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी यानी उस समय भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक थे, और जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था, 370 ही नहीं उससे पहले तो जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं कहलाते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, भारत का कानून वहां लागू नहीं होता। तो इन सब चीजों को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, और उन्हें कहा था कि भाई एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान ही नहीं चले, और इसको लेकर के आंदोलन किया, और इस आंदोलन को लेकर के सत्याग्रह भी किया बिना परमिट से। उस समय जम्मू कश्मीर को परमिट लेकर के जाना पड़ता था, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर जेल में ही उनकी अनेक प्रकार से हत्या कर दी गई उनकी, बस शहीद हुए। वो आज भी हम त्वरित इसका कोई अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया, क्योंकि मामला उस समय की जाँच नहीं हो। तो 23 जून को हम सब लोगों ने मनाया, लेकिन पार्टी ने तय किया कि 23 जून उनका बलिदान दिवस और 6 जुलाई उनकी जयंती। तो 23 से 6 जुलाई के बीच पार्टी ने तय किया है कि भाई हम हर इकाई पर जनता को भी प्रेरित करें, पार्टी के कार्यकर्ता को भी प्रेरित करें। मैं आप सब लोगों से भी कहूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उस दिन एक पेड़ को लगाया, और उन्होंने देश के आह्वान किया था देशवासियों से, वे हर देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। और उसके पीछे के कारण पिछले दिनों हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पर्यावरण जो बिगड़ रहा है या तपक्रम जो बढ़ रहा है, इस साल हम सब लोगों ने देखा किस प्रकार से टेम्परेचर जो बढ़ा है सब जगह पूरी दुनिया, और दुनिया सब जगह चिंतित है। तो उसका एक ही उपाय है कि भाई हम अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगावें, हरियाली को हम ले आवें। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को पेड़ लगा करके उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे हमें मां के नाम एक पेड़ लगाना। तो पार्टी ने उसको 23 जून से 6 जुलाई जो बलिदान दिवस से लेकर के जन्म जयंती तक हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, कार्यकर्ता भी लगाएंगे, जनता को भी हम प्रेरित करेंगे ताकि इस धरती को हम सुंदर से सुंदर बना सकें। ये हमने कह रहे थे कि ये पार्टी का ये कार्यक्रम और घोषित कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि चूंकि अभी कार्यक्रम हुआ नहीं है तो आप सब लोगों के समक्ष उसको मैं साझा कर। उसके बाद हम सब लोगों ने कार्यक्रम और भी तय किया है। एक तो आपने देखा कि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 81 लाख से कहीं अधिक वोट आए, 9 सीटें हम जीते, यानी बहुत बड़ी जनता ने हमें इस देश इस प्रदेश में साथ दिया। और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि वे विधानसभा स्तर पर एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को भी और उनका अभिनंदन करना, उस कार्यक्रम में हमारे विधायक, सांसद, नेता लोग उपस्थित रहे। ये तिथि हम सब लोगों ने तय किया है कि अभिनंदन विजय संकल्प सभा, अभिनंदन कार्यकर्ताओं का भी, अभिनंदन जनता का भी, और विजय हुआ उसके लिए भी अभिनंदन है, और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए भी संकल्प। तो इसलिए अभिनंदन
विजय संकल्प सभा ये झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करना है। ये 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, उस समय पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट होगी ताकि सांसद भी लोग समय दे सके। तो एक तो ये कार्यक्रम, उसके लिए भी कई लोगों का नाम है, हमने कहा कि नाम बाद में अशोक जी से आप सब लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर पांचवा जो कार्यक्रम है, विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक। विस्तृत का मतलब है कि बड़ा कार्य समिति, जिसमें से हमारे जो मंडल तक की जो कार्य समिति होती है, मंडल के जो पदाधिकारी हैं और ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उस सभा में लोग उपस्थित होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम होगा, ये 20 जुलाई का ये तिथि हम सब लोगों ने मोटा मोटी तय की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान मिल जाए, कार्यक्रम तो रांची में ही होना है, लेकिन हम लोग के फर्स्ट प्रायोरिटी है मोरहाबादी मैदान। अगर वो खाली रहेगा, वो मिल जाएगा, तो हम लोग मोरहाबादी मैदान को करेंगे। अगर वहां दिक्कत होगी तो फिर हम लोग दूसरे मैदान के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसी पर रहेंगे। उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है कि जो तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद चूंकि चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाने वाले हैं, अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल आप करीब ही है, अब मुश्किल से समय आप कह सकते 3 महीना है, उसी में सब कुछ देना है तैयारी करने को। एक तो आरोप पत्र बनाने की एक समिति हम लोगों ने गठित किया, फिर घोषणा पत्र समिति हम सब लोगों ने घोषित किया है, और उसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने समिति तैयार किया है। और उसके बाद टॉकिंग पॉइंट होता है, भाषण के जो बिंदु होते हैं, हमारे जो लीडर आते हैं बाहर से, या अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में सब बटा हुआ है राज्य। जैसे आप कोल्हान की जो समस्या है, वो संथाल प्रगणा में शूट नहीं करता है, संथाल प्रगणा की समस्या है वो आपको पलामू में फिट नहीं बैठता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लिए एक टॉकिंग पॉइंट तैयार करना, जबकि हमारे नेता भी जो आएंगे या फिर हमारे जो राज्य के भी नेता जो जाते हैं उन क्षेत्रों में क्या क्या बिंदु, उसके लिए भी हम सब लोगों ने कमेटी बनाई। फिर आगे अगस्त महीना में आंदोलन का भी कई कार्यक्रम हम सब लोग करेंगे, महिला मोर्चा की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से। ये कुल मिलाकर के कार्यक्रमों का एक श्रृंखला है, बाकी शेष जो हम सब लोग तय किए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सब के समक्ष पूरी के पूरी कार्यक्रम को मैंने रख दिया है। बाकी हमने कहा कि जो नाम है वो आप सब लोग इनसे आराम से ले लीजिएगा, जो राइटिंग जो लिखते हैं उनके लिए काम आएगा, भेजिए क्या बोलते हैं ये न्यूज़ के लिए, तो आपको लगता है कि बहुत मुश्किलें होगी उतना, और जिसको चलाना होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ओर से जितना, मेरे ओर से जो विषय था मैं आपके सबके सामने रख दिया, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ और समझना हो तो आप पूछ। और बहुत है तो वही सब तो हम बताए अभी ना, ये सब चीज़ें तो बताए आपको, टॉकिंग पॉइंट जब मैंने कहा कि तो ये सारे तो इशू ही है, घोषणा पत्र होगा तो भी इशू ही होंगे, उसमें तो वही होगा ना कि हमारा कोशिश हमारा होगी कि बूथ स्तर से हम लोगों की हम राय लें, कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे
जनता राज्य की क्या अपेक्षा करती, क्या चाहती है। तो बहुत स्तर से जनता की हम राय लेकर के हम एक घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो वो हमारे लिए बिंदु हो जाए, क्योंकि हम जितना बेहतर से बेहतर झारखंड की हम दे सके या कोशिश करें। क्या कौन सा देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा जितने भी शरणार्थी धर्मावलंबी है, शरणा से जितनी भी जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल या उनके श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी उसको पहले भी सुरक्षित करती रही है, संरक्षित करती रही है, विकसित करती रही और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, बाकी तो सिर्फ घोषणाएं करती है। क्योंकि उनसे जितनी भी जुड़े हुए आप देखेंगे, जब बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों में जिसका जाहिर थान था उसकी घेराबंदी करना, उसकी तके सुरक्षित करना, उसको डेवलप करना, उनकी जहां जहां भी श्रद्धा स्थल है उसको भी विकसित करने का, चाहे लोगो गुरु हो, चाहे इस प्रकार के और जहां कहीं भी कोई भी जगह हो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसको हम लोग विकसित करेंगे। क्योंकि हम चाहेंगे कि आदिवासियों की जो परंपरा है वो उनकी सुरक्षित रहे, उनको हम विकसित कर सके, उनके प्रति जो गर्व कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। तो एक सवाल है कि बीजेपी पहली बार झारखंड में दो बड़े चेहरों को प्रभारी बनाएगी, क्या आलाकमान को झारखंड के नेतृत्व पर संदेह है इसलिए दो बड़े चेहरों को लगाया गया विधानसभा चुनाव? नहीं, संदेह की कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राज्य के चुनाव में, अभी भी आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह लोगों को लगाएंगे, और केंद्र की ओर से लगाएंगे तो बड़े चेहरे ही लगाएंगे ना। अब क्या चाहते हो, केंद्र की ओर से लगावे और छोटा चेहरा लगावे तो कैसे चलेगा काम? क्या बोले, पिछली बार लोकसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया गया था, इस बार कितना टूटा? अरे पिछले बार लोकसभा में कहां दिया गया था, हमने कहा कि कल आप सब लोगों के समक्ष, अरे भैया हमारे प्रभारी जी ने क्या कहा कि हम इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव में 52 सीटों पर लीड किए, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सारे सीटों को लीड को हम बरकरार रखते हुए और हम आगे की तैयारी करें। अरे यार एक एक करके बोलोगे ना, नीट पेपर मामले में हो रहे हैं, आपने उधर बोल रहे थे और आदिवासी मतदाताओं को जो चिंता थी आपको क्या कास्ट दिया गया? नहीं हमको क्या, पार्टी की जो बोल रहे हैं तो ये तो कार्यक्रम है, ये टास्क क्या होता है जी? अब तो हमारा 90 दिनों का जो मेरे पास समय है 90 दिन के लिए आप यहाँ करीब करीब मैंने योजना को रखी दिया है, बता दिया है कि ये कर रहे हैं, उसके बाद कुछ कार्यक्रमों को आगे बताएंगे। अरे हम कोई इस प्रकार के अलग अलग नहीं करते, जब हमने कहा कि बूथ स्तर से घोषणा पत्र तैयारी के लिए जनता से हम राय लेंगे तो बूथ में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिस बूथ में ट्राइबल रहते होंगे वो अपना बताएंगे, बाकी जवाब परीक्षा की जो तार है वो, अरे उसकी जांच चल रही है भाई, हमने कहा कि मंत्री जी ने बार बार कहा कि जिस किसी के स्तर पर गड़बड़ी हुई है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच होगी, जांच चल भी रही है, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि लाखों बच्चों का सवाल है, बच्चों को न्याय भी मिलेगा, ये बार बार हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह
फैसला किया विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषणा पहले की जाएगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी का पूरक है कि क्या जो लोकसभा चुनाव में आ चुके हैं उन पर पार्टी दाव लगाएगी? क्या सीटें हैं? पहला सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा पहले की जाएगी, और जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हार चुके हैं विधानसभा चुनाव में उन पर दाव लगाएगी पार्टी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो किनको चुनाव लड़ाती है और कब घोषणा करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकार क्षेत्र में। हमारा क्षेत्र इतना ही है कि हम बताएं कि अगले जो 90 दिनों में जो कार्यक्रम करेंगे उसमें से हमने आपको 60 दिन का कार्यक्रम करीब करीब आपके समक्ष हमने रखा है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। ठीक है, चलो।